तो स्वागत है आपका हर्षिता जी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूपी के जो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने कहा था, एमसीक्यूज पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे, तो फाइनली एमसीक्यूज पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। तो स्वागत है आपका प्रतिभा जी। तो सभी लोगों का स्वागत है। हाय हेलो नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ठीक है, ये जो क्लास है हमारी, इसमें हम लोग यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल को कवर करेंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन ही है ज्यादातर। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से जो है वो कवर करो। ठीक है, 1 मिनट बस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये काफी सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जल्दी से लीजिए। शुभांगी जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो चलिए, यूपी स्पेशल रहेगा, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कह सकते हो इसे आप। और शाम को मधुबन वाली सीरीज तो होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था। तमाम डेट्स दी गई हैं, तो आप इन डेट्स को देख सकते हैं और इसको आपको बताना है कि देवबंद आंदोलन जो है वो कब हुआ था। ठीक है, देवबंद आंदोलन कब हुआ था तो आप बताएंगे। ऑप्शंस में क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने पोल, तो आप यहाँ पे आंसर दीजिए कब हुआ था, जल्दी बोलिए। बिल्कुल, यहाँ पर अभी 50% कैंडिडेट्स को लगता है अभी, और 50% कैंडिडेट्स को लगता है ऑप्शन नंबर डी। तो वी और डी, तो क्या होगा यहाँ पे सही। देखो, यहाँ पर जो सही है आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, यहाँ पर जो सही है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहले जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है शुभांगी जी ने, फिर पम्मी जी ने, फिर आशीष कुमार कश्यप साहब ने। ठीक है, तो ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगम सुमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं घटना चक्र सीरीज के हैं, तो आपको बताना है कि बेगम सुमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, कहाँ पे करवाया था, माउंट आबू, नैनीताल, सरंगना या कानपुर। तो आपको यहाँ पे बताना, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बताइए कहाँ पे निर्माण कराया था। बिल्कुल, 50% कैंडिडेट्स को लगता है कि ये जो प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया था ये कहाँ पे कराया गया था, सरंगना में कराया गया। और ये बिल्कुल बात सही भी है, सरंगना में कराया गया था। ठीक है, ये कराया गया था, सरंगना आखिरकार है कहाँ पे, सरंगना कहाँ पे, सरंगना जो है आपका मेरठ, ठीक है, ये आपका मेरठ में पड़ता है, सरंगना मेरठ में है, तो इस चीज को याद रखोगे ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका मेरठ में पड़ता है, तो ये चीज याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है जो कि मैच नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को, आपको बताना है जल्दी से।
कौन सा सही होगा बताइए, सुमिलित नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम सुमिलित नहीं है कि हम बात करें तो कौन सा सुमिलित नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रघुपति सहाय फिराक, ये कानपुर के नहीं है, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। तो ये आखिरकार है कहाँ के, रघुपति सहाय फिराक की बात करी जाए, ये आपके जो गोरखपुर, ठीक है, ये आपके गोरखपुर से संबंधित हैं, तो ये गोरखपुर के हैं, बाकी ये कानपुर से इनका कुछ लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बनाना है कि अमीर खुसरो एटा से थे या नहीं थे, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, तो क्या सही होगा यहाँ पे आपको बताना, क्या सही होगा बताइए। बिल्कुल यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी सही होगा, और 60% कैंडिडेट्स को लगता भी है कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो दिया है पम्मी जी ने, किनने दिया है, पम्मी जी ने सही आंसर दिया है सबसे पहले, उनके बाद है आशीष कुमार कश्यप, फिर है कृष्ण कृष्ण लता यादव, और फिर दे रहे हैं प्रतिभा जी, ठीक है, तो याद रखिएगा, स्क्रीन पर आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, इनमें से ये जो तमाम नाम है तो इनमें से किसका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था, ये बताना, आगरा में कौन जन्मा था, मीर मीर अमीर खुसरो फिराक या फिर गालिब, तो पोल में क्रिएट कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ था, तो आप बताएंगे। हर्षिता जी ने सबसे पहले, फिर दिया शिवांगी जी, फिर दिए आशीष कुमार कश्यप साहब, तो बिल्कुल सही है, सबसे पहले जो दिया है हर्षदा जी ने यहाँ पे बिल्कुल सही है, गालिब, मिर्जा गालिब का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, वो आपके हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है आगरा में, ठीक है, आगरा में जन्मे थे, तो इस चीज को आप याद रखो, आगरा में इनका जन्म हुआ था। अगला है, इलाहाबाद स्थित एलिफेंट पार्क को पुनः नामकरण किया गया, एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया वो किसके नाम पर किया गया, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि एलिफेंट पार्क जो है वो किनके नाम पर किया गया, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं तो सही ऑप्शन बता दिया है, आप बताइए जल्दी, बिल्कुल सही है, 67% कैंडिडेट्स को लगता है कि एलिफेंट स्थित जो मतलब इलाहाबाद स्थित जो एलिफेंट पार्क है उसका नामकरण जो किया गया वो किनके नाम पर किया गया, वो चंद्र शेखर आजाद के पर किया गया, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया, बहुत अच्छे, ठीक है, अगला देखते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है बताना, देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो स्थित है वो कहाँ पर है, ऑप्शन है आपके सामने आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी, तो जल्दी से आपको आंसर करना है, मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले प्रतिभा जी, फिर आशीष, पम्मी जी, शुभांगी जी और फिर कृष्ण लता यादव, बिल्कुल सही, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगला है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा या फिर वाराणसी, पोल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको जल्दी से इसका आंसर देना है, ठीक है, कला भवन ये बहुत बार पूछा गया है और यूपीपीसीएस की 2006 की परीक्षा में पूछा गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया है वो दिया है प्रतिभा जी ने, ठीक है, तो उनके बाद दे रही है शुभांगी जी, फिर कृष्ण लता यादव और फिर अनिल गंगवार साहब, तो यहाँ पर होगा वाराणसी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ लो कि ये जो है आपका भारत कला भवन,
ये कहाँ पर है? ये बनारस में है, ठीक है, बनारस में या वाराणसी कुछ भी कह लो, तो बनारस में ही है, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना किन कब हुई थी, पहले ये जान लो, 1920 में हुई थी। किनके द्वारा हुई थी ये जो स्थापना हुई थी? ये हुई थी राय कृष्ण दास के द्वारा, राय कृष्ण दास के द्वारा इनकी इसकी जो स्थापना हुई थी कब? 1920 में हुई थी इनकी स्थापना। इसकी स्थापना, अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, हस्तिनापुर, मेरठ, देवाशरी, बाराबंकी या फिर श्रृंगेश्वर, हैदराबाद। क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? क्या सही होगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, श्रृंगेश्वर, फैजाबाद। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी ये जो है सही नहीं है। श्रृंगेश्वर आखिरकार फैजाबाद में नहीं है, तो अब कहाँ पर है? बात यह आती है कि अगर फैजाबाद में नहीं है तो ये कहाँ पर है? देखो, श्रृंगेश्वर जो है वो अभी फैजाबाद में नहीं है, वो कहाँ पर है? ये है आपका कहाँ पे, ये है आपका इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में। अब वैसे ही अब इलाहाबाद क्या हो गया है? अब हो गया है प्रयागराज, तो ये कहाँ पर है? प्रयागराज में बेसिकली है, ठीक। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ पर है? श्रावस्ती, विठूर, कालपी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको बताना है। ऑप्शन तैयार रखो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल, सबसे पहले जो आंसर आया वो हर्षिता जी, कृष्ण लता जी, फिर प्रतिभा जी, पम्मी जी, फिर आशीष कुमार साहब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो स्थापित है वो आपका बिठूर में है, ऑप्शन नंबर बी, बिठूर, ठीक है, ये बिठूर में है आपका महर्षि वाल्मीकि आश्रम, बिठूर में है, तो ये चीज भी आप याद रखो, ये बिठूर में हैगा आपका, ठीक है। और अभी भी लीडर पोल पर कौन है मैं बताता हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे वैसे लीडर पोल आ गया होगा, ठीक है, कुछ लोगों के पे आता है कुछ पे नहीं आता है। तो सबसे पहले शुभांगी जी, फिर है आशीष कुमार, फिर है पम्मी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या मेरठ? यूपीपीसीएस के मेंस की 2015 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको बताना है कहाँ पर है भारत माता का मंदिर। बिल्कुल, सबसे पहले दिया है कृष्ण लता जी ने, फिर हर्षिता, फिर है शुभांगी जी, फिर है आशीष कुमार और फिर है पम्मी जी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको 10 सेकंड बाद अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि रियलिटी में कौन पहले था, कौन दूसरे पे था, कौन तीसरे पे था, उसके बाद वाले भी शायद दिखते होंगे, ठीक है। तो फाइनली स्क्रीन पे आ गया होगा आप लोगों के कौन जो है वो सबसे पहले था, ठीक है, सबसे पहले थे कृष्ण लता जी ने, सबसे पहले आंसर दिया था। अभी आगे बढ़ती है, बिल्कुल वाराणसी में, इस चीज को याद रखो, भारत माता मंदिर। और भारत माता मंदिर का जो शुभारंभ है ये किनने किया था, मतलब इसके जो शुभारंभ जो किया गया था वो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था, और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था बाबू शिव प्रसाद, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता का भी जो था इसमें हाथ था, ठीक है। ये कब की बात है? भारत माता मंदिर जो कब बना था, ये बना था आपका 1936 में, ठीक है, 1936 में बना था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है सारनाथ कहाँ पर है? तो नीलेश जी और संजय जी स्वागत है आपका, नीलेश जी, सारनाथ कहाँ पर है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? कहाँ पर है सारनाथ? बिल्कुल सही है, सारनाथ जो है आपका ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सारनाथ। तो सबसे पहले आंसर दिया है हर्षिता जी ने दिया था, ठीक है, तो
बाकी लोगों का भी सही है, ज्यादातर सही दे रहे हैं इसको आंसर। तो सारनाथ जो है आपका, ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सारनाथ अगर किसके पास में है, तो ये जो है आपका वाराणसी के पास में है। ठीक, इस चीज को याद रखो। आगे देखते हैं, आगरा में जो दयाल बाग है, दयाल बाग किससे संबंधित है ये बताइए, कि दयाल बाग आगरा का किससे संबंधित है? कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, फिर रामानुज संप्रदाय से, या फिर राधा स्वामी पंथ से? किससे संबंधित है आगरा का दयाल बाग? तो ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, आप इसको जल्दी से बताएंगे कि किससे संबंधित है आगरा का दयाल बाग। देखो बिल्कुल सही है यहाँ पे, सबसे पहले कृष्ण लता जी ने, फिर शुभांगी जी, फिर आशीष जी ने सही आंसर दिया। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो ये होगा आपका राधा स्वामी ट्रस्ट। ठीक है, आगरा में राधा स्वामी ट्रस्ट वालों का जो है दयाल बाग है, और ये दयाल बाग पूरी तरीके से दयाल बाग यूनिवर्सिटी भी है, इनके बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चलते हैं, तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा पोल। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है सूची मैच करना, कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने कराया जौनपुर, आगरा सिटी, जामा मस्जिद। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्या सही होगा, फतेहपुर सीकरी? और तो मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सही आंसर को चूज करना, बोलिए क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल, शुभांगी जी सबसे पहले, फिर निर्लेश जी, कृष्ण लता यादव, फिर पम्मी जी, और फिर संजय। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिल्कुल, 80% से ज्यादा बच्चे, मोर देन 80+% बच्चे जो है वो सही आंसर को मार्क कर रहे हैं। मतलब ये जो फतेहपुर सीकरी है, इसका निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है, जौनपुर सिटी का जो निर्माण कराया वो किसने कराया, वो कराया फिरोजशाह तुगलक ने। और इसके अलावा आगरा सिटी का जो निर्माण कराया वो किसके द्वारा कराया गया, वो कराया गया सिकंदर लोदी। जामा मस्जिद ये कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी बे है, अनूप वेदिका है जिसकी बे है क्या है? चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी बे है आदि शंकराचार्य, या फिर मृद हरि चैतन्य, या फिर रामानंद। तो इसका आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, आप इसका फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या होगा, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है वो किसकी है? वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले प्रतिभा जी, आशीष कुमार कश्यप, और फिर है संजय जी, शुभांगी पाल जी, और फिर मम्मी सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भरत हारी। ठीक है, भरत हारी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि एक तरफ सूची है, एक तरफ सूची टू है। कनक भवन कहाँ पर है? कादमगिरी पर्वत, कालिंजरी दुर्ग, और देवा शरीफ। तो अगर आपको दो चीज भी इसमें से पता है, एक दो भी पता है, तो भी आप इस मैचिंग को आराम से कर लोगे। और ये प्रश्न आपके यूपीपीसीएस की परीक्षा 2008 में पूछा गया था, आप देख भी सकते हो। तो पोल में क्रिएट कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे सही आंसर जो है वो बताना है, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं 38%, 38% लोग सही आंसर दे रहे थे। जो सबसे पहले दिया है वो दिया है प्रतिभा जी ने, शुभांगी जी, शेफाली, प्रकाश जी स्वागत है आपका, उन्होंने भी सही दिया आंसर, और फिर नीलेश चौहान जी ने। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये है कि कनक भवन जो है आपका अयोध्या में है। ठीक है, कनक भवन अयोध्या में है। उसके अलावा जो आपका कादमगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है, कालिंजरी दुर्ग आपका बांदा में है, और देवा शरीफ आपका कहाँ पर है, ये बाराबंकी में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बैठेगा, ये आपका सही हो जाए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर दुर्ग कह लो या किला कह लो, कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। कालिंजर जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, या फिर जालौन? कहां
कहां पर बताइए। देखो कालिंजर जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, ऑप्शन में क्रिएट कर रहा हूँ, आप बताएंगे ठीक है, जल्दी से बताओ और सही ऑप्शन को मार्क करिएगा। बिल्कुल यहाँ पर 88% कैंडिडेट्स को लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बिल्कुल आप सब लोगों को जो लगता है वो सही है। कालिंजर जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, ये आपका बांदा में है। सबसे पहले आंसर दिया किसने, अभी आ जाएगा यहाँ पे पोल पे दिख जाएगा, अभी रुको मेरा पोल आ जाए आप लोगों को दिख जाएगा। सबसे पहले आंसर किसने दिया, सबसे पहले दिया आंसर शुभांगी जी ने, फिर दिया आशीष जी ने, ठीक है, तो इस तरीके से सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको फिर भी आपको करना है। क्वेश्चन है कि लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुतोष ने नगर को नियोजित करने का तरीका विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट वटलर ने इसको सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया, या फिर महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, ठीक क्या लगता है, आपको यहाँ पर पोल पे जल्दी से अपनी राय देनी है। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर 67% दे रहे हैं, सबसे पहले निलेश जी दे रहे हैं और फिर दे रहे हैं कृष्ण लता और फिर पम्मी जी, ठीक है, तो यहाँ पर सही है आप सब लोगों का जो भी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं, बी का मतलब पहला और दूसरा, तो आप सभी लोगों का ठीक है, ठीक पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। आगे मूव करते हैं, अगला है हमारा, एक तरफ सूची वन है एक तरफ सूची टू है। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लो आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है, लिखा है कि आपको बताना 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है, ठीक, तो मैं इसका पोल क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो भी है आप जल्दी से दीजिएगा। सबसे पहले हर्षिता जी ने दिया, फिर दिया सैफाली और जी ने, और फिर दिया है पम्मी जी ने, ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आंसर सही कर रहे हैं और भी सारे लोग सही कर रहे हैं, पर टॉप 3 का नाम लिया, अभी स्क्रीन पर भी नाम शो होगा आप लोगों को, ठीक है, स्क्रीन पर भी जल्दी नाम आपको दिख जाएगा। बिल्कुल स्क्रीन पर दिख गया होगा आप लोगों को नाम, ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको देख लो। देखो तो 84 गुंबद जो है वो कहाँ पर है, आपके जालौन में है, जामा मस्जिद जो है आपका मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप तो पता है आपको कुशीनगर, और कादमगिरी चित्रकूट। अगले पर आते हैं, ये कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष एक तरफ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन की तिथि, तो आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे आंसर, जल्दी बताइएगा क्या सही होगा, बोलिए। पच्चीस परसेंट कैंडिडेट्स को लगता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और बाकी लोग तो बिल्कुल, सबसे पहले शेफाली जी का थोड़ा कठिन प्रश्न हो गया, फिर प्रिंस कुमार जी और फिर है हर्षिता जी, ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, तो सी जो लोग दे रहे हैं आप सभी लोगों का सी बिल्कुल सही है, सी ठीक है। इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लो, देखो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, 1905 में वाराणसी में हुआ था, 1936 में हुआ था आपका लखनऊ में, 1946 में हुआ था आपका मेरठ अधिवेशन, ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है और ये सारी सारी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू या बीवी गिरी, तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, ऑप्शन आपके सामने खोल दिए हैं,
जल्दी से आप इसको सही आंसर को मार्क करें। कौन थे? बिल्कुल, सबसे पहले हर्षिता जी, संजय जी, आशीष जी, शेफाली जी, शुभांगी जी और फिर कृष्ण लता जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है, सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू जो थे वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, तो इस बात को आप याद कर लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, आगे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो नहीं थे, आपको ये बताना है, गोविंद वल्लभ पंत, हेमंत बहुगड़ा या फिर हेमवंती बहुगड़ा या फिर कृष्ण चंद्र पंत या फिर नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें एनडी तिवारी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है, बताइए आपको क्या सही लगता है? देखो 50%, 44, 33 और 22, इसमें रेशियो बट गया। अब सबसे ज्यादा कैंडिडेट को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, 50% कैंडिडेट्स को लगता है ऑप्शन नंबर बी, पर यहाँ पर जो सही है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण चंद पंत। ठीक है, ये कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, कृष्ण चंद्र पंत कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपको स्क्रीन पे ये दिखाई पड़ रही होगी अभी तक की पोल पे लीडर्स, ठीक है, कौन लीड कर रहा है आज की क्लास को। शुभांगी जी कर रही हैं, फिर आशीष जी हैं, फिर पम्मी जी हैं। आगे देखते हैं, मोस्टली क्वेश्चन लोगों के सही हैं इस वजह से, तो कृष्ण चंद्र पंत होगा। अगला, नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन व्यक्तियों की सूची बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन है आपका चौधरी मतलब चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचेता कृपलानी। तो क्या लगता है आपको, क्या सही होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको बताना जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक, तो बताओ कौन रह चुका है, कौन नहीं रह चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर आया है शेफाली प्रकाश जी का, ठीक है, फिर है पम्मी जी, फिर है निलेश चौहान जी। देखो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, वी का मतलब क्या है कि सबसे पहले संपूर्णानंद, फिर आए आपके सुचेता कृपलानी, फिर चरण सिंह रहे और फिर रहे आपके कमलापति त्रिपाठी। ठीक, फिर कौन रहे, कमलापति त्रिपाठी। तो ये चीज आप याद रखें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, कौन नहीं रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये बताना। गोविंद वल्लभ पंत, टी एन सिंह या फिर नित्यानंद स्वामी या फिर राम नरेश यादव। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बताना है क्या होगा, बोलिएगा जल्दी, पोल क्रिएट कर दिया है, आंसर सही मार्क करो। बिल्कुल, ज्यादातर कैंडिडेट का आंसर सही आ रहा है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 71% कैंडिडेट को ऑप्शन नंबर सी सही लगता है। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे कभी नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। नित्यानंद स्वामी जो है वो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये चीज आप याद रखना, ये जो थे नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इस चीज को आप याद रखो। आगे देखते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, अब तक कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही। ऑप्शन 0, 1, 2 या 3, ये क्वेश्चन आप खुद देख लो, 2015 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं जो मुख्यमंत्री के पद पर रही, आपको ये बताना है। तो जरा आप पोल करके बताएंगे कि कितनी महिलाएं जो मुख्यमंत्री के पद पर रही, बोलो।
बिल्कुल, सबसे पहले प्रतिभा जी हैं और फिर संजय जी, शेफाली जी, शुभांगी जी, फिर कृष्ण लता जी। बिल्कुल सही है। तो 45% कैंडिडेट्स को लगता है कि दो महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी। बिल्कुल बात सही है। सबसे पहली कौन थी? सबसे पहली की अगर हम बात करें तो सुचेता कृपलानी, नाम सुना होगा, ठीक है, सुचेता कृपलानी थी पहली। उनके बाद में कौन थी? उनके बाद में महिला मुख्यमंत्री थी मायावती, ठीक है, मायावती। तो इससे पहले जब अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव से पहले मायावती पर एक रिकॉर्ड था। वो क्या था? सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए, ये तो अभी भी है, पहले ये भी रिकॉर्ड था कि सबसे कम उम्र की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थी, ये थी मायावती। पर अब जब से अखिलेश यादव बन गए थे तो अखिलेश यादव ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर अगर ये अभी भी पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो ये थी आपकी मायावती जी, ठीक है, बुआ जी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मायावती अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? इन हाउ मेनी टाइम्स मायावती जो है मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 3, 4, 2 या फिर 5, जो भी आपको लगे, ए बी सी या डी दबा देना, ठीक है, देखते हैं किनका दिमाग तेज है। बोलिए। बिल्कुल, ये अब तक कुल मिलाकर के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री। और लास्ट टाइम में इनकी सरकार कब आई थी? 2007 में आई थी, 2007 से 11, 12 तक रही थी, 2007 से 12 तक, तो इनकी जो है सरकार रही थी, तो आप इस चीज को याद रखो, ठीक है, 2007 से 2012 तक रही थी, पुरानी बात होगी, चलो इसको छोड़ो। सबसे पहले आंसर हर्षिता जी ने दिया, ठीक है, फिर दिया था पम्मी जी ने, प्रतिभा जी ने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको बताना है कौन थी। ऑप्शन है, श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, या फिर सुश्री मायावती, या फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर, बोलिए। बिल्कुल सबसे पहले हर्षिता जी ने आंसर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर वैसे भी 91% कैंडिडेट्स को लगता है कि द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, ऑल आर यू राइट, आप सब लोग सही हैं। तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है वो पहली मुख्यमंत्री थी। और सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करें तो सुचेता कृपलानी जो थी मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी? ये गांधी जयंती के दिन मुख्यमंत्री बनी थी, 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के ये जो रही थी 13 मार्च 1967, ठीक है, 13 मार्च 1967 तक ये रही थी। तो आपको लीडर्स पोल दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे अभी भी, तो आप देख सकते हो, ठीक है, लीडर्स पोल अपनी अपनी स्क्रीन पे आप सब लोग देख सकते हो। सो नाउ वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। अगला है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम लोग डेली डेली इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे 1 बजे, ठीक है, तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना आपको। देखो, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है, मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खरे, या फिर नफीसुल हसन। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पर 60% कैंडिडेट्स को लगता है ऑप्शन नंबर बी, और बी सही भी है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। तो और उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा का पहला सत्र जो चालू हुआ था वो हुआ था आपका 2 फरवरी 1950 को, 2 फरवरी 1950 को पहला सत्र जो है वो चालू हुआ था, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा नहीं है, राजकीय चिन्ह के अंतर्गत कौन सा नहीं है। चीटिंग तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, राजकीय चिन्ह तो आपको मैंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें बताओ कि ये जो चित्र है इसमें से कौन सा राजकीय चिन्ह जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन द स्टेट सिंबल, तो आपको बताना है कौन स्टेट सिंबल में नहीं है। गलती मत करना, हाँ गलती होनी भी नहीं चाहिए थी, कुछ लोगों की हो गई। 80-20-20, 80-20 दे रहे हैं भाई। लिखा हुआ है कि राजकीय चिन्ह नहीं है, नहीं है। अब ये धनुष आपको नहीं दिख रहा क्या? दिस इज अ धनुष, ठीक है, और ये अपनी मछली है, ठीक, ये धनुष है, ये मछली है। तो यहाँ पर मोर तो कहीं नहीं दिख रहा। एक बात और याद रखें, धनुष और मछली पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? ये जो वो हुआ था ना, वो कौन सा क्या हुआ था, वो पांचाली का स्वयंवर, ठीक है, पांचाली जैसे कहते हैं, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर में जो अर्जुन ने जो मछली की आंख में निशाना लगाया था, ये उसी का प्रतीक है, ये मछली उसका प्रतीक है, और धनुष वही वाला धनुष बाण का प्रतीक है जो कि अर्जुन ने निशाना लगाया था। तो उसकी कहानी से कुछ रिलेशन है इसका, तो आप इसको याद रखना, ठीक है, आगे बढ़े, याद रहेगी आपको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है आपको बताना है। इन विच ऑफ द विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द नेशनल फ्लॉ, मतलब कि आपका स्टेट फ्लावर है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको भी वैसे पूछना नहीं चाहिए था, पर आ गया है तो पूछ लो। आपको देखो यूपीपीसीएस के मेंस जैसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हाथ इतना सरल क्वेश्चन यूपीपीसीएस के मेंस में, प्री में पूछता तो भी मान सकते थे, पर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो लोधी साहब स्वागत है आपका। तो ये आपका टेसू का फूल, ठीक है, टेसू का फूल जो है आपका राजकीय पुष्प में आता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हर्षिता जी, फिर हैं कृष्ण लता जी, ठीक है, तो इस तरीके से अभी पोल पे चल रहे हैं लोग। अगला हमारा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो बताइए उत्तर प्रदेश का भाई राजकीय पक्षी कौन सा है। देखो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है आपको बताना है, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे कौन सा है, फिर भी दे दीजिए जल्दी आंसर। ये भी प्री में पूछा गया था क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो आपका सारस है, ऑप्शन नंबर बी सारस, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, मोस्टली सभी लोगों का सही है। तो एक बार अभी मैं आप सबके पास में जो लीडर्स पोल है, मतलब कौन अभी तक ज्यादातर आंसर सही दिया और सबसे कम समय में, उसकी लिस्ट को शेयर करता हूँ। आई होप आप लोगों के पास में ये लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये लिस्ट कुछ लोगों की स्क्रीन पर दिख रही होगी शायद, ठीक है, आपको दिखती है या नहीं दिखती है, दिखती तो होगी वैसे, ठीक है। सबसे पहले शुभांगी जी, फिर तीसरे नंबर पम्मी जी, दूसरे नंबर कृष्ण लता यादव, तो ये लिस्ट है, आगे देखते। अगला है कि उत्तर प्रदेश, पहले आपने सुनी थी ना बात कि उत्तर प्रदेश को चार छोटे छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए, ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था, ये बताना आपको। यहाँ पे तमाम डेट्स हैं, आज नहीं ध्यान है तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, मतलब याद हो जाएगा या आ नहीं जाए, आएगा तो सही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का सही आंसर आ रहा है, ये तो कमाल की बात है। तो ये है आपका 21 नवंबर 2011, 21 नवंबर 2011, ठीक है, बिल्कुल सही है। 21 नवंबर 2011 को ये प्रस्ताव रखा गया था कि उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसको चार छोटे छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए। और रियलिटी भी है ये कि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टेट है, इसको मैनेज अकेला नहीं कर पा, किया नहीं जा सकता, ठीक है, उस समय डिसीजन लिया गया था, पर अभी तक ये पेंडिंग में डला हुआ। तो
ये नहीं, ये रहने दो, ये तो पुराना क्वेश्चन पड़ गया। ये अच्छा, ये भी नहीं रहने दो, ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, या फिर नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, या फिर कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, या फिर कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रित करता है, या फिर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करिएगा। मतलब यहाँ पे बताना आपको क्या होगा सही, ठीक है? तो पोल में ग्रेड करना, वो दो क्वेश्चन असल में उस समय के करंट अफेयर्स में से पूछे गए थे, तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। तो यहाँ पर किसी का सही नहीं आ रहा, मतलब हैं कुछ बच्चे सही, अभी आंसर आ जाएगा किस किसने सही आंसर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर तब तक मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी हो, बी का मतलब नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात भी सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये बात भी सही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे और काफी महत्वपूर्ण भी चीज। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है, आपको ये बताना। देखो कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। दूसरा कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। अगला है कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए अलग कानून है। तो आपको क्या लगता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द राइट आंसर? देखो सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले हर्षिता जी ने आंसर दिया, ठीक है? हर्षिता जी, फिर है प्रतिभा जी, फिर है शेफाली जी। तो ये लोग जो हैं वो सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, आप लोग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ वो ग्राम दिए गए हैं, एक तरफ स्थानीय शासन संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही होगा, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप जो है वो इसका आंसर देंगे जल्द से जल्द। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है? मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ये आपका पोल क्रिएट होगा, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर तो ना के बराबर बच्चे दे रहे हैं, पर अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर तो दिया कम से कम। ठीक, अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले किसने आंसर दिया, इस चीज को भी देखते हैं 1 मिनट। देखो सबसे पहले अगर आंसर के देखें तो बिल्कुल सही दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है, ये मतलब झांसी में नगर निगम, ठीक है, और मछली शहर जो है आपका नगर पंचायत। और इसका हो जाए टुंडला का नगर पालिका परिषद, और सैफई क्या है, क्षेत्रीय समिति। तो ये चीज आप याद रखेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो ये बात आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। सो नाउ वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से नगर निगमों की संख्या मतलब नगर निगम नहीं है, कौन सा जो है अभी भी नगर निगम नहीं है, आपको ये बताना है इनमें से। तो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है नगर निगम नहीं है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा ना, कौन सा नगर निगम नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 10% कैंडिडेट को, 10% को लगता है कि फैजाबाद जो है वो नगर निगम नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है जो आप लोगों को लग रहा है कि फैजाबाद नगर निगम नहीं है। तो फैजाबाद जो है वो रियलिटी में नगर निगम जो है वो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और अभी हम देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट्स जो हैं वो सही आंसर दे रहे थे। ये चीज भी देखते हैं किन किन कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, फैजाबाद। ठीक है, तो फैजाबाद कोई नगर निगम नहीं है, तो ये चीज आप याद रखो। अगला बढ़ते हैं लोग, अगला थोड़ा इसे अभी स्किप कर देते हैं, बाद में पूछते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? पंचायतों की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्कों के द्वारा, या फिर पंचायत की सीमा क्षेत्रों में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचन के द्वारा, या फिर ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा, या फिर पंचायत की सीमा क्षेत्र के नियमकों के द्वारा, क्या लगता है आपको? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा बड़ा सा, आप इसको बताएंगे क्या होगा? क्या लगता है? यहाँ पे 36% कैंडिडेट्स को लगता है कि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, 36% कैंडिडेट्स को ऑप्शन नंबर सी सही लगता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप लोगों को लग रहा है सी सही, तो वो सही है। सबसे पहले शेफाली जी, फिर हैं हर्षिता जी, और फिर हैं आशीष कुमार कश्यप साहब। तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जल योजना में सम्मिलित किया जाता है? जल योजना में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है आपके नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर क्षेत्र पंचायत। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सही आंसर जो है पहचानना। क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर लोधी जी का सही है, शुभांगी जी का सही है, और पम्मी जी का सही है। केवल तीन लोगों का आंसर जो है वो सही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी। डी का मतलब क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ऑल ऑफ दीज इज राइट, सारे के सारे सही है, सारे सही है। बहुत अच्छे। अब अगर हम बात करें स्क्रीन पे, आपको दिख गया होगा सबसे पहले लोधी जी, शुभांगी जी, और फिर पम्मी जी आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लीडर्स पोल भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा कुछ लोगों के पे, तो लीडर्स पोल में देख सकते हो अभी भी लीड कर रही हैं कौन? शुभांगी जी, फिर हैं कृष्ण लता जी दूसरे नंबर पे, और फिर हैं हर्षिता जी। पहले पम्मी जी थी, अभी हर्षिता जी हैं। ठीक है, फिर आशीष जी हैं, पम्मी जी हैं, फिर प्रतिभा जी, फिर शेफाली, संजय, निर्लेश, और प्रिंसा। 10 10 टॉप 10 आते हैं उसमें। आपको ये बताना है कि एट प्रेजेंट कितने मंडल और जनपद हैं उत्तर प्रदेश में? कितने मंडल और जनपद हैं उत्तर प्रदेश में? तो आपको क्या लगता है? वैसे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे ठीक है, मैं इसमें सही ऑप्शन है नहीं, ठीक है, 1875 है, तो यहाँ पर 75 कर लो, 1875 या फिर 76। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन एक एक दे दो सही। बिल्कुल, यहाँ पर सही नहीं था। कुल मिलाकर के मंडल जो है अपने 18 हैं, और जो जिले हैं वो कितने? 75 जिले हैं, 18 मंडल 75 जिले। ठीक है, 18 मंडल और 75 जिले जो हैं वो आपके हैं सही। 18 मंडल 75 जिले आपका सही हो जाएगा। अगला है सूची एक और सूची दो। एक तरफ आपके जनपद लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ जनपद और एक तरफ मुख्यालय। तो अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन, सिद्धार्थ नगर, तो आपको बताना है कि इनका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, पोल में क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी आपको क्या लगता है, सोच लो और आराम से आंसर दो। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही है, 25% कैंडिडेट्स सही आंसर दे रहे हैं, और जो सही आंसर दे रहे हैं वो ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आंसर दिया शेफाली जी ने, फिर कृष्णलता जी ने, फिर पम्मी जी ने, फिर रवि जी ने। तो यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मैं इसको मैच कर देता हूँ, ठीक है, मैच करके बता देते हैं, जिन लोगों सही नहीं दे पाए उनके लिए बताना भी जरूरी होता है। देखो, अम्बेडकर नगर की हम बात करें तो ये अकबरपुर में है, कानपुर देहात की हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपका अकबरपुर माटी, इसका मुख्यालय अकबरपुर माटी में है, ये जगह का नाम है ऐसा मतलब है, माटी मतलब मिट्टी। जालौन की अगर हम बात करें, जालौन का मुख्यालय उरई में है, और सिद्धार्थनगर का मुख्यालय जो नौगढ़ में है, नौगढ़, ठीक, तो ये जो मुख्यालय वाला हो गया, तो हम आगे देखते हैं। अगला आपको बताना है, एक तरफ जनपद है एक तरफ मुख्यालय है, ठीक है, फिर से जनपद मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्योंकि ये सारे सारे घटना चक्र वाले हैं तो इसलिए करना भी है। देखो, हम लोग डेली डेली क्वेश्चन करेंगे, सबसे मेन काम होता है अगर आपको यूपी वाले कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो, पहले प्रीवियस पकड़ बना लो, बिल्कुल रटे होने चाहिए क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे यही काम करेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए, यूपी के खास तौर पे, यूपी जी के, तो यूपी तो आपके यहाँ पे बताना है क्या होगा, ठीक है, तो पोल में क्रिएट किया हूँ तो आप लोग इसका सही आंसर दें। बिल्कुल, यहाँ पर 71% यहाँ पे सी और डी दे रहे हैं, बस सी का मतलब और डी, तो सबसे पहले आंसर दिया हर्षिता जी, शुभांगी जी, कृष्णलता, और फिर श्यामपाली, और संजय साहब, बाकी 50% लोग जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, पर यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है, वो अभी अभी आपको वो क्या कहते हैं लीडर्स पोल भी दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों को दिखाई पड़ता है, कुछ को नहीं जाता, ये सही बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जनपद का मुख्यालय, तो यहाँ पर क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें तो नोएडा में इसका मुख्यालय है, ठीक, और अगर ज्योतिबा फूले नगर की बात करें तो ये आपका अमरोहा में है, संत कबीर नगर की हम बात करें तो ये आपका खलीलाबाद में है, और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो ये आपका नौगढ़ में है, कहाँ पर है, नौगढ़, ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही, और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएस के मेंस की 2003 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, गौतम बुद्ध जिले का नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रामाबाई नगर, या फिर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सो आप सब लोग इसको कर सकते हो, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, बताइए। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है आपको ये बताना था, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने जो मार्क किया था वो गड़बड़ हो गया था, पर यहाँ पर जो सही है वो क्या, नोएडा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो 80% डी को सही कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही। सो अगला क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो आपको बताना है, ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, या फिर शाहजहांपुर, कहाँ पर है ये, ठीक है, पोल में क्रिएट कर रहा हूँ, बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले संजय जी, शैफाली जी, हर्षिता जी, पम्मी जी, नीरलेश जी, कृष्णदत्ता जी, और आशीष कुमार कश्यप साहब, बिल्कुल, नोएडा जो उत्तर प्रदेश के जो है वो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है,
कौन सा जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है, आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा या मेरठ? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट आंसर, तो आपको बताना। और ये प्रश्न जो है आपके यूपीपीसीएस के प्री 2017 में पूछा गया था, प्री 2017 में ये प्रश्न जो है वो आपका आ रहा था, ये बताना। देखो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं था, तो कौन सा नहीं था, ये था आपका इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इलाहाबाद जो था वो निर्यात विकास केंद्र नहीं था। तो सबसे पहले हर्षिता जी, फिर शेफाली जी, फिर शुभांगी जी और फिर दे रहे हैं आशीष साहब। तो पोल्स आपको दिख गए होंगे, पोल समरी लिखा आता है जो स्क्रीन पे आपके, और यहाँ पे लीडर्स की वो लिस्ट भी आप लोगों को दिख रही होगी, कुछ लोगों को दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना अपना नाम, जो लोगों ने सही दे रहे हैं ज्यादातर वो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी वक्त है हमारे रैंडमली 5 क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, मैं केवल 5 क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको दे पाओगे। क्या आप लोग तैयार हो रैंडमली इन्हीं क्वेश्चनों में से 5 टॉप के क्वेश्चन पूछ बताने के लिए? अगर तैयार हो तो वो थंब वाला इंप्रेशन जो होता है ना कुछ ऐसा, तो वो जरा दबा दो। ठीक है, सुनाओ, देखते हैं कि कितना डाटा आपके स्टोर हुआ है दिमाग में। तो पहला क्वेश्चन रैंडमली, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मेंस में 2012 में पूछा गया था। ठीक है, पोल में क्रिएट कर रहा हूं और आपको यहाँ पे बताना है। बिल्कुल सही है, सबसे पहले आशीष कुमार कश्यप साहब, 5 क्वेश्चन पूछूंगा बस। ठीक है, आशीष कुमार कश्यप सरंगना, ये भी जान लो ये सरंगना जो है कहाँ पर है, ये आपका मेरठ में। ठीक है, मेरठ जिले में है, यूपी के, बहुत अच्छे। फिर हर्षिता जी, फिर पम्मी जी। अगला हमारा है क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कहाँ पर स्थित है, आप इस चीज को बताएंगे। पोल्स जल्दी करिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का। बिल्कुल, कृष्ण लता, हर्षिता, पम्मी जी और शुभांगी जी, तो बिल्कुल ये लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में एलयूसी के एनओडब्ल्यू, और ये भी अच्छा है। ठीक है, थर्ड वाला, भारत कला संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है आपको कि भारत कला संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं पोल कर रहा हूँ, आप जल्दी से बटन को दबाइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, डी का मतलब क्या है, ये वाराणसी में है। और एक बात और मैंने बताई थी आपको, ये वाराणसी में तो है ही, ठीक है, वाराणसी में है, ये बात सही है। पर मैंने आपको बताया था कि इसको जो किसने मतलब इसके योगदान में किसने किसने दिया था, कब हुआ था, ये बात पता है आपको, भारत कला भवन के बारे में, कला भवन जो 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में, तो इसकी स्थापना जो कराई थी वो कराई थी किसने, राय कृष्ण दास द्वारा, राय कृष्ण दास के द्वारा 1920 में इसकी स्थापना कराई गई थी। कितने, तीन हो गए ना, चौथा चौथा चौथा, ये अच्छा, पीछे वाला विख्यात भारत माता मंदिर 2015 के मेंस में पूछा गया था कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए भारत माता का मंदिर जो कहाँ पर। हाँ बिल्कुल, 56% कैंडिडेट सही दे रहे हैं आंसर। तो सबसे पहले आशीष कुमार कश्यप साहब, फिर संजय जी, फिर शुभांगी पाल जी, फिर कृष्ण लता यादव, फिर पम्मी जी। तो ये हो जाएगा वो वाराणसी, और इसको याद रखना, भारत माता मंदिर की स्थापना में महात्मा गांधी थे और एक और व्यक्ति था, उसका नाम था बाबू शिव प्रसाद। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, और वो सन थी 1936, 1936 वो सन थी, ये चीज भी आप याद रखोगे, 1936 वो सन थी। अगला है हमारा लास्ट, बस अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ये अच्छा है। ठीक है, पांचवा बता दो, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश के नहीं थे, गोविंद वल्लभ, हेमवती, कृष्ण या फिर नारायण दत्त तिवारी? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, सो द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश ये कृष्ण चंद्र पंत, ऑप्शन नंबर सी।
कृष्ण चंद्र पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश के नहीं थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, कृष्ण चंद्र पंत साहब के बारे में हो गई। तो ये हमारी थी आज की क्लास। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारी क्लास जो है वो डेली डेली इसी टाइम होती है। एक क्लास होती है हमारी दोपहर में 1 बजे और एक क्लास होती है हमारी 8:10 पे। अभी दोपहर में हम लोग यूपी को कवर कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और शाम को हमारी मधुबन पब्लिकेशन वाली होती है, ठीक है। मधुबन पब्लिकेशन, मधुबन मतलब जो किताब है उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये आपकी हिंदी की है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का 24 तारीख का एग्जाम हो, चाहे आने वाला हाई कोर्ट का एग्जाम हो, अगर आप कर रहे हो तो हिंदी और यूपीजीएस के लिए इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। मतलब जो बुक्स मैं करा रहा हूँ वो अच्छी बुक्स हैं, तो इनको आप लोग करिए। और फिर भी कोई मन में डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे 94 56 98 10 97 में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ में, मैं पूरी मदद करूँगा। इसके अलावा आज की जो क्लास है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, यूपी स्टडी सर्कल। इसके अलावा यूपी स्टडी सर्कल हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर भी कोई आपके मन में अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और क्वेश्चन सही है। कल भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आगे भी कवर करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। सो टेंशन ना लो, जल्दी खत्म कर दें इस चीज़ को, ठीक। और ये जो किताबें हैं घटना चक्र वाली, इनको आप रट लो। देखो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहे आर ओ का हो चाहे आर ओ का जो यूपीपीसीएस फ्री हो, तो भाई घटना चक्र आपको रटी होनी चाहिए, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन है वो रट डालो आप, ताकि कोई भी आपको छूटे ना चीज, ठीक है। तो चलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।